हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अनलॉक टूल यूज़ करते हो, अगर आप एक अनलॉक टूल यूज़र है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैंने आज सुबह एक फ़ोन को अनलॉकिंग करने जा रहा था, रेडमी 9 प्राइम का। तो रेडमी 9 प्राइम का अनलॉकिंग करने जा रहा था, मैंने अनलॉक टूल को ओपन किया। ओपन करने के बाद वहाँ पे अपडेटिंग पूछा, अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा। कोई भी MTK फ़ोन को हम अनलॉक टूल में अनलॉक करते हो, सबसे पहले वो वेटिंग फॉर डिवाइस करके शो होगा, ठीक है। तो जैसे आप मॉडल सेलेक्ट करते, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद अपने फैक्ट्री सेट पर क्लिक करते, ठीक है। अगर आपका FRP है तो FRP करते। तो क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा प्रोसेस, और वेटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद ही आपके फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होगा। तो आज सुबह मैंने क्या किया और मॉडल सेलेक्ट किया, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम आया रहता, और मैंने फैक्ट्री सेट किया, मतलब उसके अंदर पैटर्न लगता। फैक्ट्री सेट करने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा था, पहले रीड्राइविंग डेटा फेल्ड हो रहा था। तो वो मैंने आगे वीडियो में दिखा देता हूँ, उसका सोल्यूशन में बता देता हूँ क्या हो रहा, क्या करना है इस प्रॉब्लम को लेकर, क्या सोल्यूशन है। तो चले गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करो, आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहता। तो चले गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अनलॉक टूल को ओपन करके रखा है एंड फेल्ड भी हो चुका है यहाँ पर देख सकते। तो फिर से मैंने आपको करके दिखाता हूँ। तो MediaTek सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं और MI सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं Redmi 9 Prime का, ठीक है। Redmi 9 Prime MediaTek के Qualcomm नहीं है, MediaTek का है। तो MI पर क्लिक करने के बाद आप फैक्ट्री रिसेट कर सकते, नहीं तो आप MediaTek के ऊपर क्लिक करने के बाद भी फैक्ट्री रिसेट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने MediaTek क्लिक किया। MediaTek क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट करोगे, उसके बाद मॉडल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो MediaTek क्लिक करने के बाद सर्वर पर टिक करना है, मॉडल सेलेक्ट करना है और ब्रांड सेलेक्ट करना है। करने के बाद आप क्या करते हैं, फैक्ट्री रिसेट करते हैं। अगर आप पैटर्न लगे तो फैक्ट्री रिसेट करना है, FRP है तो FRP करना है, ठीक है। तो मैंने आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अनऑथेंटिकेशन ओके आता, उसके बाद रीड्राइविंग डेटा ओके आना चाहिए, उसके बाद इंस्टॉलिंग डेटा ओके आना चाहिए, उसके बाद आपको वेटिंग फॉर डिवाइस पूछेगा, ठीक है, फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट करके दिखाता हूँ ट्राई करके। और यहाँ पर देख सकते हैं Redmi 9 Prime ने यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे Redmi 9 Prime आ गया, उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आपको FRP है तो FRP क्लिक करना है, फैक्ट्री सेट है तो फैक्ट्री सेट करना है। तो मैंने दोनों ट्राई करके देखा, मैंने पहले फैक्ट्री सेट किया और उसके बाद अर्स FRP भी किया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, आप जहाँ पे भी जाओ, सिर्फ Redmi 9 Prime के अंदर नहीं, बहुत सारे मॉडल को मैंने ट्राई करके देखा और आपको भी ट्राई करके दिखाएंगे। सिर्फ Redmi 9 Prime के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने सोचा था पहले, उसके बाद मैंने दूसरा मॉडल पे भी चेक किया, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अर्स FRP के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी हमारा। और यहाँ पर देख सकते अर्स FRP के ऊपर ने क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते मैंने अर्स FRP के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते अर्स FRP का जो प्रोसेस है यहाँ पर चालू हो गया। Redmi 9 Prime आएगा, अर्स FRP 1, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ओके आएगा, उसके बाद आपको रीड्राइविंग डेटा ओके आना चाहिए, उसके बाद इंस्टॉलिंग डेटा ओके आना चाहिए, उसके बाद आपको वेटिंग फॉर डिवाइस पूछेगा, ठीक है, फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए पूछेगा। उसके बाद ही आपको MTK फ़ोन कनेक्ट करने पड़ेगा अनलॉक टूल में, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, यहाँ पर देख सकते ऑथेंटिकेशन ओके आएगा, रीड्राइविंग डेटा मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा, फेल्ड हो जाता, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, ड्राइवर तो मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है यार, कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जितने भी फ़ोन्स का ड्राइवर फॉर्मेटिंग करना है, फ्लैशिंग करना है, उन सभी ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है पहले से। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले। और यहाँ पर देख सकते अभी रीड्राइविंग डेटा पर ही हैंग हो कर रखा है और यहाँ पे फेल्ड हो जाता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अनलॉक टूल को यूज़ कैसे करना है, अनलॉक टूल के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी फ़ोन को ऑनलाइन के थ्रू अनलॉक करना चाहते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रीड्राइविंग डेटा फेल्ड हो गया और ऐसा प्रॉब्लम आ रहा, मैंने आपको दूसरा मॉडल भी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैंने वीवो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, वीवो सेलेक्ट किया। वीवो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मॉडल सर्च करना है। मैंने 2-3-4 मॉडल को सिलेक्ट करके देखा, सेम प्रॉब्लम आ रहा था। पहले मैंने क्या सोचा था, Redmi 9 Prime के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए मैंने दूसरा ब्रांड को सिलेक्ट करके देखा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वीवो सेलेक्ट करके वीवो UPI सर्च कर देता हूँ यहाँ पे।
तो वीवो वी पर सेलेक्ट करने के बाद इतना सारे मॉडल्स आ गए, इसमें कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ पे फैक्ट्री सेट करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर अनऑथेंटिकेशन ओके आ रहा, सब कुछ ओके आता, सिर्फ रीड्राइविंग डेटा आपका फेड हो रहा। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सलूशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एंड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ एक ही मॉडल में नहीं हो रहा, अनलॉक टूल में मैंने दो तीन चार मॉडल को ट्राई करके देखा, उसमें सेम प्रॉब्लम आ रहा। रीड्राइविंग डेटा ये फ़ोन का नहीं है, अनलॉक टूल का है, और टूल में से ये सिस्टम शुरू होता है, उसके बाद आपको वेटिंग फॉर डिवाइस पूछेगा, ठीक है। तो फ़ोन का कोई ज़रूरत नहीं, फ़ोन कनेक्ट करना है ये सब कुछ ज़रूरत नहीं, वेटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद ही आपको फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता। यहाँ पर वेटिंग फॉर डिवाइस नहीं आ रहा, सिर्फ रीड्राइविंग डेटा फेल्ड हो रहा, तो वो मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फेल्ड हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों शायद आपने देखा होगा, मैंने एक दो फ़ोन तो आपको ट्राई करके देखा, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे मैंने मॉडल को सिलेक्ट करके फैक्ट्री सेट करता था तो वहाँ पर क्या हो रहा था, रीड्राइविंग डेटा फेल्ड हो रहा था। मतलब क्या होता है, एमटी के फ़ोन पे क्या होता है, अनलॉक टूल में वेटिंग फॉर डिवाइस आता, वेटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद ही फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता। जो मैंने टूल कहाँ से परचेज किया वहाँ से भी मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि भाई यूएसबी केबल शायद लूज बेटर रहेगा। तो भाई पहले वेटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद ही यूएसबी केबल कनेक्ट करना पड़ता है एमटी के मोड पे। तो मैंने सोचा यार अपडेट करने के बाद ही ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट किया तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आप ये मत सोचना कि मॉडल सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा, फ़ोन सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा, कंप्यूटर के साथ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, ऐसा मत सोचो, कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करो। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका भी सॉल्व होगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं हमारी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।